अगर आप भी खोज रहे हैं इंग्लिश की ऐसी वीडियो जिसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर मिल जाए, एडवांस स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर जो कि हमारी डेली लाइफ में हमेशा बोला जाता है, अगर ऐसा खोज रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आपको कम से कम 5 से 6 स्ट्रक्चर या रूल्स कुछ ऐसे बताऊंगा जो कि आपकी स्पीकिंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला, प्रमोट करने वाला है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। क्या कभी आप ऐसे भी बोलते हो कि जिंदगी की परवाह किए बिना मैंने उसको बचाया, पैसों की परवाह किए बिना मैं पानी में कूद गया, इस तरीके से मम्मी पापा की परवाह किए बिना मैं उससे लड़ा, तो आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? देखिए, इसको बोलने के लिए आप बोलेंगे किसी चीज़ की परवाह किए बिना, बोलते हैं रिगार्डलेस ऑफ। जैसे जिंदगी की परवाह किए बिना तो रिगार्डलेस ऑफ लाइफ, तो जिंदगी की परवाह किए बिना मैं उससे लड़ा, क्या बोलेंगे? रिगार्डलेस ऑफ लाइफ आई फॉट विद हिम, इस तरीके से आप बोल देंगे। नेक्स्ट प्लीज, पैसों की परवाह किए बिना मैं पानी में कूद गया, कैसे बोलोगे? रिगार्डलेस ऑफ मनी आई जंप्ड इनटू द वाटर, इस तरीके से आप बोलेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्लियर डियर्स? जैसे बाइक की परवाह किए बिना मैं अजनबी को बाइक दे दिया, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर आपको समझ में आ गया तो। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास है? ऑन द बिहाफ ऑफ। ऑन द बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से या फिर की तरफ से। ये आप हमेशा बोलते होंगे कि मेरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, या फिर मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपने भाई की तरफ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, इस तरीके से आप बोलते हैं। तो इसी तरीके से की ओर से की तरफ से आप कैसे बोलोगे, इसको बोलने के लिए बोलते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ। जैसे कि मैंने बताया, ऑन द बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से या की तरफ से। जैसे मेरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्या बोलेंगे? कंग्रेचुलेशन ऑन द बिहाफ ऑफ माई फैमिली, इस तरीके से। राइट, देखिए मैं अपनी भाई की तरफ से बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ माई ब्रदर, इस तरीके से। क्लियर ना? चलिए देख लिए, अगर आपको समझ में आ गया तो आप भी फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इस स्ट्रक्चर को, मतलब इस क्वेश्चन को जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे बोलेंगे। जैसे कि अगर आपको कहना हो कि भारत की तरफ से मैं लड़ूंगा, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आपको इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर आप समझ में आ गया तो। चलिए देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको कहते हैं ऑल ओवर अगेन। सो ऑल ओवर अगेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक बार फिर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे धोखा दिया, फिर होगा उसने एक बार फिर मुझे धोखा दिया। क्लियर? इसको बोलने के लिए इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो ऑल ओवर अगेन, इस तरीके का यूज किया जाता है। तो हमेशा आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आते हैं, एक बार फिर उसने मुझे धोखा दिया, एक बार फिर उसने मुझे पीटा, एक बार फिर मैंने उसे गाली दिया, एक बार फिर उसने मुझे धोखा दिया, इस तरीके से आप बहुत सारा बोल सकते हो। चलिए देख लेते हैं। तो मैंने बताया ऑल ओवर अगेन, तो ऑल ओवर अगेन के स्थान पर आप और यूज कर सकते हैं, जैसे वंस मोर या फिर वंस अगेन, इसको भी यूज कर सकते हैं। क्लियर नॉट? तो ऑल ओवर अगेन चलिए यूज करते हैं। जैसे एक बार फिर मैंने उसको पीटा, तो ऑल ओवर अगेन आई बीट हिम, इस तरीके से। एक बार फिर उसने मुझे धोखा दिया, तो कैसे बोलोगे? ऑल ओवर अगेन सी चीटेड मी, इस तरीके से आप बोलोगे। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ठीक है? एक बार फिर उसने गाली दिया, आप कैसे बोलोगे, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट का मतलब होता है तुरंत, एट वंस या उसी वक्त। क्लियर नॉट? इस तरीके से बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना कि तुरंत उसने मुझे पैसे दे दिया, जैसे मैंने किसी को पैसे दिया, उसने मुझे तुरंत पैसे दे दिया, तो आप कैसे बोलोगे? ही रिटर्न्ड मनी ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट ही रिटर्न्ड मनी, इस तरीके से आप बोल दोगे। या फिर बोल सकते हो ऑन द स्पॉट के स्थान पर एट वंस ही रिटर्न्ड मनी। क्लियर नॉट? इज एनी तुरंत उसने पैसे वापस कर दिए। एक होता है राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब होता है इसी टाइम, अभी, जस्ट, या फिर होता है जस्ट नाउ। मैंने कैसे बोलोगे, जैसे कि गो फ्रॉम हियर राइट नाउ, यहाँ से तुरंत चले जाओ। और बोल सकता हूँ मैं गो फ्रॉम हियर एट वंस, अभी तुरंत जाओ। या बोलेंगे जस्ट नाउ यू गेट आउट फ्रॉम हियर, आप अभी इधर से चले जाओ। सुन में आया कि नहीं गाइज? ये रहे हमारे कुछ वर्ड्स एंड कुछ स्ट्रक्चर्स, एंड आशा है कि आपको समझ में आएगा। इफ यू जस्ट कैरी एवरीथिंग, प्लीज माई ऑल द डियर फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई ट्विटर चैनल एंड ट्राई टू जस्ट क्लिक द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।